अरे मैम साहब, क्या ढूंढ रहे हो आप? वो दरअसल भैया मेरी ना सोने की चैन गिर गई है यहाँ पे। तो मैडम जी यहीं कहीं गिरी होगी, ढूंढ लेते हैं। भैया वो चैन ना मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है और मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना भी है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मैम साहब पहले आप उठिए, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं। भैया आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो, मैं लेट हो रही हूँ, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे मैम साहब आप टेंशन मत लीजिए, यही कहीं गिरी होगी, हम मिलकर ढूंढ लेते हैं। एक काम कीजिए, आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ, ठीक है? भैया रहने दो आप, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैम साहब आप ना एक काम कीजिए, आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, जैसे ही मुझे आपकी माँ की निशानी मिल जाएगी तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा, फिर आप ले जाइएगा। भैया अगर आपने वो चैन मुझे ढूंढ के दे दी ना तो मैं आपको ना इनाम के तौर पे 1,00,000 रुपए दूंगी। क्या 1,00,000? भैया भले ही वो चैन मेरी 30,000 की है लेकिन वो मेरे लिए ना लाखों से भी ज्यादा है, क्योंकि वो मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। मैडम जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगर आपकी चैन यहीं कहीं खोई होगी तो कहीं नहीं जाएगी, अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको तुरंत फोन करके बता दूंगा। ठीक है भैया, ये लो मेरा नंबर, और जैसे ही आपको मेरी चैन मिल जाएगी ना तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। यार 1,00,000 का सवाल है, ढूंढ लेता हूँ, मिल जाएगा तो पैसे ही पैसे होंगे। ये क्या सोने की चैन? लगता है ये चैन उसी मैडम की है जो इसे मिल गई, अभी देखता हूँ। अरे क्या हो गया भाई साहब, ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा भैया तो ये चैन आपको मिल गई? क्यों ये चैन तुम्हारी है? नहीं नहीं ये चैन मेरी नहीं है बल्कि मेरे एक दोस्त की है। अरे मैं कैसे मान लूँ ये चैन तुम्हारे दोस्त की है, यहाँ तो हजारों लोग आते जाते रहते हैं, पता नहीं किसकी हो। अरे नहीं भैया ये सच में मेरे दोस्त की चैन है, लाओ इधर दो। देख भाई ऐसा तो मैं तुझे ये चैन दूंगा नहीं, अगर कुछ लेन देन हो जाए तो शायद मैं तुझे ये चैन दे दूँ। ठीक है तो मैं तुझे कुछ इनाम दे देता हूँ, तब तो देगा, ना दे इधर। पहले पैसा। ठीक है देता हूँ, ये ले 1,000 रुपये। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? कम से कम 20 से 30 हजार की चैन है और मैं 1,000 रुपये में मान जाऊंगा क्या? तो कितना चाहिए भाई तुझे बोलना। कम से कम 10,000 रुपये चाहिए। कमीना 10,000 मांग रहा है, कितना लालची है। कोई नहीं दे देता हूँ, मुझे तो फिर भी 90,000 बचेंगे ही ना। ठीक है भाई ये लो, ये पूरे 10,000 रुपये हैं। ये हुई ना बात, ये लो पकड़ो अपनी अमानत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, और आदमी हो तो आपके जैसा। हाँ सही कहा भाई साहब, आदमी हो तो आपके जैसा। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। अब लगेगी लॉटरी। एक काम करता हूँ, उस मैडम को फोन करता हूँ। ये लो बॉस। अरे वाह, अब चेक कर और कितनी चैन बची हुई है। बस ये 2-3 चैन और बची हुई है। तो चलो फिर 2-3 बकरे और पकड़ते हैं। ये क्या नंबर लग नहीं रहा, एक बार और लगाता हूँ। ये नंबर तो गलत बता रहा है, इसका मतलब वो लड़की और इस लड़के ने दोनों ने मिलकर मुझे चूना लगा दिया, वो भी पूरे 10,000 का। हे भगवान तो मैं क्या करूं। लालच में इंसान अपना ही नुकसान करा बैठता है। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजे। जय हिंद जय भारत।